देश में सिकल सेल बीमारी के संदर्भ में और विदर्भ कैपिटल बनते जा रहे नागपुर में वर्तमान में उत्तर नागपुर में 1.5 लाख तथा पूरे शहर में लगभग 4 लाख के करीब सिकल सेल के मरीज हैं। जनता इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रही है, यही कारण है कि सिकल सेल के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीमारी की भयावहता को गंभीरता से लेकर उपचार के लिए आगे आने की अपील केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मरीजों से की। स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर सिकल सेल एनीमिया अभियान अंतर्गत पाचपावली सुतिका गृह में सिकल सेल संशोधन केंद्र का उद्घाटन किया गया। गडकरी ने कहा कि नागपुर में सिकल सेल संशोधन केंद्र बरकरार है, इसके लिए विशेष प्रयास मनपा द्वारा किए गए। परिवार में यदि किसी व्यक्ति को सिकल सेल हो तो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति ने जांच कराना चाहिए। इस केंद्र में आकर जांच की जा सकती है। इसके अलावा पार्षदों ने भी अपने प्रभागों के लोगों की सिकल सेल जाँच के लिए सहयोग करना चाहिए, जाँच के लिए प्रोत्साहित करने जन जागृति की जानी चाहिए। गडकरी ने कहा कि शहर में सिकल सेल और थैलेसीमिया बीमारी के उपचार के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एम्स में जल्द ही उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। स्थायी तौर पर केंद्र उप राजधानी में ही रखने के लिए भी प्रयास करने की जानकारी गडकरी ने दी। इस शहर में जिन्होंने सेवा का काम किया है, लोगों को जगाने का काम किया है, ऐसे 3 व्यक्ति है। उनमें से एक है डॉक्टर मिलिंद माने, दूसरे हमारे यहाँ उपस्थित है डॉक्टर श्रीखंडे, यहाँ उपस्थित है बिचारी मेयो हॉस्पिटल में लगातार काम कर रही थी, और डॉक्टर जैन। ये 3 व्यक्तियों का डेडिकेशन, और इन्होंने हर बार एक सेवाभावी वृत्ति का परिचय दिया है। पर एक बात कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि मैं स्पष्ट बोलने के लिए कभी हिचकिचा नहीं हूं। यह उत्तर नागपुर में ही केवल सिकल सेल के 1.5 लाख पेशेंट है, और नागपुर शहर में इसकी संख्या 3.5 से 4 लाख पेशेंट की है। और ये जो पेशेंट है, इसमें 90% पेशेंट अगर कोई है तो जिसको हम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी कहते हैं, दलित समाज के, वो 90% पेशेंट इसमें है। बाद में इसमें जो पेशेंट है वो शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी जो है ट्राइबल है उसमें से है। और नागपुर और ये पूर्व विदर्भ, मैं अभी चांडक साहब को बता रहा था कि ये सिकल सेल और थैलेसीमिया का कैपिटल है, कैपिटल देश। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि उत्तर नागपुर में सिकल सेल के सर्वाधिक मरीज देखे जाते हैं, जिससे यहां के लोगों को सिकल सेल संशोधन केंद्र का लाभ होगा। शहर के साथ ही ग्रामीण हिस्सों के मरीजों को भी यहां स्क्रीनिंग कर उपचार दिया जाएगा। साथ ही सिकल सेल संशोधन केंद्र में मरीजों के लिए एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र के लिए पूरी निधि केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है। केंद्र का संचालन 3 वर्षों के लिए मनपा के पास होगा। सिकल सेल मरीजों की संख्या देखते एक स्थायी संशोधन केंद्र रहे, इसके लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी से प्रयास करने का अनुरोध भी महापौर ने दिया। लगातार इस विषय के लिए कार्य करते रहे, और डॉक्टर मिलिंद माने जी के प्रयास से यहां हमारा जो पाचपावली आयुर्वेद हॉस्पिटल था, वहां पर इस सिकल सेल के स्क्रीनिंग के लिए कुछ व्यवस्था भी कार्यकाल में उनके कार्यकाल में उन्होंने संपादित करी। बहुत उनकी कोशिश थी कि उत्तर नागपुर में इस प्रकार का एक सेंटर बनना चाहिए, और उत्तर नागपुर में एक सेंटर बनना चाहिए, इस दृष्टि से डॉक्टर मिलिंद माने जी ने बहुत प्रयास किया, और आज मिलिंद माने जी ने जो शुरुआत की थी उस काम को पूर्णता आज उत्तर नागपुर में ये सेंटर के रूप में प्राप्त हुई है। ये कहने में मैं किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं करता। डॉक्टर महात्मे जी के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के एक DPC होती है, वो डीपीसी मूर्खता माननीय नितिन जी ने लेनी चाहिए, लेकिन नितिन जी ने डॉक्टर महात्मे जी को ये अधिकार दिया है कि वो डीपीसी डॉक्टर महात्मे जी लिया करेंगे। इस दरमियान महापौर दयाशंकर तिवारी, सांसद विकास महात्मे, स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर, पार्षद संदीप सहारे, वीरेंद्र कुकरेजा, डॉक्टर गिरिराज चांडक, बसपा गुट नेता जितेंद्र घुड़सवार आदि उपस्थित थे। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवा, BCN न्यूज नागपुर।